वर्ल्ड्स वीडियो में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और हाँ, क्लिक कर दीजिए बेल पर सो दैट आपको न्यू इन्फॉर्मेशंस मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट टीआरपी और पैसे के लिए लव और रोमांस करते हैं? जैसे ही शो ख़त्म, ये कपल्स भी अलग अलग हो गए। तो दोस्तों, छोटे पर्दे का सबसे लोकप्रिय शो बिग बॉस लड़ाई झगड़े और प्यार मोहब्बत के कारण सबसे ज़्यादा विवादों में रहता है। यही एक ऐसा रियलिटी शो है जिसे लोग देखने के लिए हमेशा बैठे रहते हैं। अब तक इस शो के 10 सीज़न आ चुके हैं, लेकिन कोई भी सीज़न बिना लव और रोमांस के पूरा ही नहीं होता। हर सीज़न में बिग बॉस के घर कुछ प्रेमी जोड़े ज़रूर देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ कपल्स शो के बाद साथ रह जाते हैं और तो कुछ अलग हो जाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं बिग बॉस के ऐसे कपल्स के बारे में जिनका लव भरा सफ़र शो के दौरान शुरू हुआ और शो ख़त्म होने तक उनका सफ़र भी ख़त्म हो गया। जी, अनुपमा वर्मा और आर्यन वेद, क्या आप जानते हैं इन्हें? यह कपल बिग बॉस के इतिहास का पहला कपल था। दोनों ने खुलकर नेशनल टेलीविज़न पर अपने प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन शो ख़त्म होने के बाद दोनों ने अपना अलग अलग रास्ता कर लिया। इससे तय हो गया था कि पूरा खेल शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया था। हाँ जी, आप जानते ही होंगे राहुल महाजन जी को, राहुल महाजन और पायल रोहतगी। जी हाँ, बिग बॉस के घर आने से पहले ही राहुल महाजन और पायल का अफेयर था। वह एक दूसरे के साथ डेट कर रहे थे। शो के दौरान भी दोनों कई बार रोमांस करते हुए नजर आए। स्विमिंग पूल में दोनों अक्सर एक दूसरे के काफ़ी करीब रहते थे, लेकिन बिग बॉस के घर में मोनिका बेदी की एंट्री के बाद राहुल ने पायल का साथ छोड़ दिया और मोनिका के नज़दीक आ गए। नेक्स्ट कपल है वीना मलिक और अश्मित पटेल का। यह कपल शो के इतिहास का सबसे हॉट कपल माना जाता है। शो के दौरान दोनों कई बार एक दूसरे से रोमांस करते हुए दिखे। दोनों की रिलेशनशिप को लेकर सलमान खान ने भी उन्हें वार्निंग दी थी, लेकिन शो ख़त्म होने के बाद वीना ने दुबई में किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली और अश्मित के साथ उनका रिश्ता ख़त्म हो गया। बिग बॉस सीजन 7 की विजेता गौहर और कुशाल के बीच अफेयर ने शो की टीआरपी में काफ़ी बढ़ावा दिया था। शो ख़त्म होने के बाद लगभग एक साल तक दोनों का रिलेशनशिप चला। दोनों के साथ में म्यूज़िक एल्बम भी बनाई थी दोनों ने साथ में म्यूज़िक एल्बम भी बनाई थी और खतरे के खिलाड़ी में भी साथ में नज़र आए थे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये रिश्ता भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका। अरमान कोहली और तनिषा मुखर्जी को तो आप अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने भी शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए अफेयर किया था बिग बॉस में। बिग बॉस के घर में सभी अरमान के खिलाफ थे, लेकिन तनिषा जी उनका कभी साथ नहीं छोड़ती थी। दोनों को फिल्म प्रेम रतन धन पायो में भी रोल का ऑफर मिला था, लेकिन उससे पहले ही उनके बीच में ब्रेकअप हो गया। जी, सारा खान और अली मर्चेंट के बारे में तो याद होगा आपको। ये इन कपल का तो बिग बॉस के घर में इतिहास रचा गया था। शो के दौरान दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए थे कि शो पर ही दोनों ने शादी रचा ली, लेकिन शो ख़त्म होते ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सूत्रों के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से, सारा और अली को
नकली शादी करने के 50 लाख रुपए दिए गए थे। गौतम गुलाटी और डायंड्रा सोरेस बिग बॉस के सबसे लोकप्रिय कपल्स में एक हैं। दोनों शो के दौरान किस करते रहते थे, साथ में सोते थे, गले मिलते नजर आते रहते थे। इतना ही नहीं, बाथरूम में भी वो दोनों रोमांस करते नजर आते थे। गौतम गुलाटी सीजन के विनर भी रहे थे और इसके बाद उन्होंने डायंड्रा से अपना रिश्ता तोड़ लिया। बिग बॉस का दम रिश्ता तोड़ दिया। तो बिग बॉस के घर में हर चीज़ पैसे या टीआरपी के लिए होती है और दर्शकों को ये ड्रामा देखना बहुत पसंद है। तो दोस्तों, इन कपल्स पर अपनी राय देना ना भूलिएगा और हम आपको ऐसी और खबरें देते रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को।